करें क्या, करें क्या, हमारे सामने क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह छाए हुए हैं। लखीमपुर से दो ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें गालियों का इस्तेमाल किया गया है। एक वीडियो में मंत्री जी खुद गाली देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पास बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री जी ने जल जीवन मिशन से जुड़े एक कर्मचारी से कामों का हिसाब किताब मांग लिया। उन्होंने पूछ लिया कि अब तक जिले में कितने गांवों के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत ट्रेनिंग दी गई, कितने लोग अब तक इस मिशन के तहत जुड़े हैं वगैरह वगैरह। लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी मंत्री जी के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया और हिचकिचाने लगा। ये देख मंत्री जी का गर्मी में पारा और भी चढ़ गया और उन्होंने सबके सामने कर्मचारी को डांटते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो हम आपको नहीं सुना सकते। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने कहा, बिगड़ रहे हैं शब्द संस्कार, अब जाने वाली है सरकार। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया गया। सपा की ओर से लिखा गया, मंत्री जी की भाषा से प्रेरणा लेने वाले मंत्रियों की भी यही भाषा। लखीमपुर में जल जीवन मिशन योजना के कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री कर रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग, शर्मनाक। जो शब्द खुद मुख्यमंत्री ही बोलते हों वही मंत्री भी सीखेंगे। भाजपा वालों को पहले अनुशासन और संस्कार का पाठ पढ़ाना चाहिए। इस वीडियो से पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वतंत्र देव सिंह सदर कोतवाली के मुड़िया खेड़ा गाँव पहुँचे थे। यहाँ मंच से उन्होंने प्रधान जी को बुलाकर लोगों से उनका परिचय जाना। इस दौरान एक महिला ने प्रधान जी को लुच्चा लफंगा बता दिया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हट जाओ साइड में, थोड़ा इनको आप पहचानती हैं? आप लोग पहचानती हैं ना? पहचानती होंगी। ये प्रधान जी को पहचानती हैं? इनको पहचानती हैं? इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। इनका कौन है? सबको जानते हैं, लुच्चा है गांव के। लुच्चा, लुच्चा है गांव के। लुच्चा, बैठो 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 बैठो। राजू मतलब जो उनके मंदिर डाइट थे उनके बाकी खा गए थे क्या? तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ?